हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। गाइस, तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि भाई हम लोग गए थे नेदर में और वहां से हम लोगों ने बहुत ज्यादा ओपी आइटम कलेक्ट कर रहे थे और बहुत ही करा एक्सप्लोर करा था। तो भाई अभी हम लोगों को क्या करना है यार? देखो, यहाँ पे हमने गेम शुरू नहीं किया, उससे पहले तो यहाँ पे बारिश हो गई और भाई ये बकरी ना इतनी और ये गाय इतनी ज्यादा भाई मैं कर रही है ना, मेरा सर फटा जा रहा है। पहले मुझे यहाँ से निकलना है। और गाइस देखो, यहाँ पे पता है जो हम लोगों ने जो भी आइटम कलेक्ट करा था ना नेदर में से, वो हमने अपने मॉडर्न हवेली में रख दिया था। और भाई ये देखो, इधर जो है ना, अभी हम लोग को पहले अंदर जाना पड़ेगा, नहीं कि अगर हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया ना तो मतलब मौत पक्की है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे फूड लेना पड़ेगा। अच्छा हुआ भाई मैंने पहले से फूड यहाँ पर क्या है ना रोस्ट करने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा फूड खा लेता हूँ और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी मॉडर्न हवेली पे और वहाँ पे देखते हैं हमने क्या क्या सामान इकट्ठा करा था। मतलब बहुत ही सारा आइटम था, मतलब बहुत ही तरीके के नए नए ब्लॉक्स थे और भी मतलब बहुत सारी ग्लोइंग स्टोन था, बहुत सारी चीज़ें थी। चलो जल्दी से चल के देखते हैं। और गाइस यार, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ यार, यहाँ पर हमारे पास ना रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय, क्योंकि यार देखो इससे क्या है ना, देखो हमें जैसे आयरन फार्म है, मैं एक आयरन फार्म बनाने की सोच रहा हूँ, जिससे यार उससे पता है क्या होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्रीपर ने भाई यहाँ पे इतना आतंक मचा रखा है ना, पूछो मत। तो आयरन फार्म से क्या होगा भाई, हम लोग टॉर्चेस बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं और भी बाकी जो एक्सपी फार्म ये सब और भी जो फार्म है ना उनको बनाने में आयरन बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले हम लोग ना एक एक्सपी फार्म आयरन फार्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर भाई ये देखो, ये क्या डोल रहा है यहाँ पे भाई, ये पहले आ जाएगा। तो चलो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे अपने घर पे आ चुके हैं और अब देखते हैं भाई अंदर हम लोगों ने क्या क्या मतलब क्या क्या नए नए आइटम्स स्टोर करा हुआ है। और लेकिन भाई तुम लोग ये देखो, इस वाले घर में आके ना एक अलग ही सुकून सा मिलता है, क्योंकि इस घर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी मेरी। और भाई देखो, एकदम इधर एकदम बिल्कुल गांव से ना विलेज से बिल्कुल हट गया, तो यहाँ पे बिल्कुल शांति का माहौल वैसे ही है। तो यहाँ पे देखो चेस्ट चेयर की, तो हम लोगों ने देखो कितने सारे आइटम्स यहाँ पे कलेक्ट करे हुए थे, बहुत अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स हैं हमारे पास। और भाई देखो, डायमंड का आर्मर, पिकैक्स और स्ट्रॉड भी पड़ी हुई है, जिसमें भाई एंजॉयमेंट लगी हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास दो बोट भागी, इधर ऐसा कुछ खास सामान नहीं है। और यहाँ पे इस वाले इसमें मैंने पता नहीं क्या, दो चेस्ट है क्या? हाँ ओके, तो यहाँ पे सिर्फ दो चेस्ट रखी हुई है। तो अभी भाई यहाँ पे बेड हमारे इधर और सामने बारिश भी हो रही है, तो एक काम करते हैं जल्दी से नीचे चलते हैं और सबसे पहले ना आयरन फार्म बनाने के लिए एक जगह देखते हैं बड़ी सी, क्योंकि हम लोगों का जो आयरन फार्म है थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है। तो मैं आज आयरन फार्म बना के रहूँगा, क्योंकि गाइस हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे ना तो मतलब हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे ये जगह बिल्कुल खाली दिख रही होगी तुम लोगों को, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बना लेता हूँ। नहीं तो भाई एक सामने भी तुम लोग को जगह है ना, वहाँ पे भी एकदम खाली जगह है, वहाँ पे भी हम चाहे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर गाइस छोड़ते हैं, हम लोग ना सामने बनाते हैं, सामने इतने हमें आयरन फार्म के लिए इतनी बड़ी जगह भी नहीं चाहिए, मतलब मीडियम सी जगह चाहिए। तो ये वाला जो एरिया ना, इधर दो तीन फार्म बना लेंगे आराम से और आयरन फार्म के लिए हम एकदम अलग सी जगह छोड़ेंगे। तो सामने वाली जगह बिल्कुल खाली दिख रही है, तो यहीं पर हम लोग सोच रहा हूँ कि यहीं पर हम लोग अपना आयरन फार्म बना लेते हैं। तो इसके लिए ना हम लोगों को बहुत सारे ओक प्लैंक्स की और स्टोन की और भाई ग्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखो ये एरिया बिल्कुल खाली है, यहाँ पे हम लोग आराम से बना सकते हैं। और लेकिन भाई देखो, यहाँ पे ना स्केलेटन की मुझे साउंड आ रही है पैरों की, और भाई सबसे पहले मुझे स्केलेटन को मारना है। भाई मैंने कितना टाइम हो गया, कब से भी ज़ॉम्बी नहीं मारे। मैं पहले जब शुरू में खेला था ना, तब मेरी बहुत ज़्यादा फटती थी, तुम लोग भी देखते होंगे। तो चलो गाइस, अभी ना हम लोग चलते हैं अपने पुराने वाले घर पर, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके लाते हैं, क्योंकि भाई वहीं पे हम लोगों ने ज़्यादातर रिसोर्सेज हमारे वहीं पे रखे हुए हैं। अरे भाई रुक जा। तो ओके गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और भाई देखो सामने हमारा घर, मतलब ये वाला घर भी देखा जाए ना कोबल स्टोन और ओक प्लैंक से मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ये वाला घर भी। और यहाँ पे भाई इधर आके बस काउ फार्म, ये ना हमने फूड फार्म जो बनाया था ना काउ फार्म, इसको सबसे पहले हटाने वाला हूँ मैं, अभी तो नहीं, खैर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग आ चुके हैं और देखो यहाँ पे कुछ काम का सामान हमें मिल जाए, तो यहाँ पे हम लोग अपनी पिकेक्स रॉड, हाँ मतलब ये सब ले लेते हैं, क्योंकि भाई पिकेक्स और एक्स हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टेयर्स पड़ी थी, स्टेयर्स ले लिए। तो ओके गाइस, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, तो सबसे पहले अभी ना अभी हम लोगों को जाना है और हमें किसी जंगल में जाना है। तो सामने पता है राइट की साइड एक पहाड़ है, लेफ्ट साइड में तो वहाँ पे एक पहाड़ है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ना ट्रीज इकट्ठे करने पड़ेंगे, मतलब वुड इकट्ठी करनी पड़ेगी, जिससे यार हम लोग को ओक प्लैंक चाहिए, क्योंकि ओक प्लैंक और स्टोन से हम लोग बनाने वाले हैं। और पूरा जो वो है ना ऊपर का, वो पूरा ग्लास से कवर होगा, तो मतलब अभी हमें ओक ट्रीज की ज़रूरत है और स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ भाई इस बार ना कोबल स्टोन यूज़ नहीं करूँ मैं, क्योंकि भाई कोबल स्टोन ना बहुत ही ज़्यादा गंदा सा लगता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई कोबल स्टोन को ना मेल्ट करके स्टोन ही बना लेंगे, तो स्टोन से भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक आती है। तो सामने देखो ये रहा पूरा जंगल, इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे भाई आ चुका हूँ और भाई अंधेरा देखो, एकदम मौसम देखो सनसेट हो गया है। तो यहाँ पे पता है मेरे पता नहीं क्या हो गया भाई, लेफ्ट क्लिक है ना जो माउस का लेफ्ट क्लिक, तो पता नहीं यार वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी।
तो वुड तोड़ने में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी चीज़ तोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से व्यास हम लोग तोड़ते हैं, नहीं तो अगर रात ज़्यादा हो गई ना तो मॉब्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वो भी नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सो ही जाता हूँ, नहीं तो भाई ये लोग ना चटनी बना देने वाली है इस बार हमारी। ओके तो इसको जल्दी से तोड़ लो भाई, बेड टूट जा भाई, देखो ये इस तरीके से प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। तो सबसे पहले यार हम लोग इसे तोड़ लेते हैं भाई, ये देखो ये प्रॉब्लम दे रहा है भाई, टूट जा यार मेरे बाप, क्यों वो कर रहा है। ओके तो गाइस हम लोगों ने ना यहाँ पे बहुत सारे ओक प्लैंस ले लिए हैं, तो यहाँ पे अब हम लोगों को, हम अपनी लोकेशन पे आ गए जहाँ पे हम लोग को आयरन फार्म बनाना है। तो सबसे पहले हमें थोड़ी ना ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा ऊंचा बनाएंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। देखते भाई कितने ब्लॉक्स हमें, ऐसा करते हैं 20-25 ब्लॉक्स ऊपर चलते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, घर को और ले लेते हैं, हाँ आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा गाइस। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले पांच चारों तरफ से बनानी पड़ेगी, पांच ब्लॉक्स हमें आगे ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसी भाई तीनों साइड से और ले जाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसी भाई सामने वाले ब्लॉक के भी 5 ले जाने पड़ेंगे भाई। यहाँ पे ना फट रही है मेरी, क्योंकि हल्का से भाई शिफ्ट का बटन टूटा ना, छूटा सो ही भाई हम लोग नीचे गिरेंगे। ओके और पीछे से भी करते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा बना लिया। गाइस एक सेकंड, मुझे ना यहाँ पे गलत कर दिया, मुझे यहाँ पे एक ही ब्लॉक बनाना था, क्योंकि जब पानी यहाँ से यूँ गिरेगा ना तो भाई हम लोगों को ना ऐसे सीधा सीधा नहीं गिर सकता, हमें एक ब्लॉक ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, इसे एक तरीके से एक स्टेयर टाइप की बनानी पड़ेगी, तभी जाके नीचे जो है ना पानी एकदम फ्लो में गिरने वाला है। तो यहाँ पे काम करते हैं, एक यहाँ पे हमें वो लगानी पड़ेगी, एक यहाँ पे ओक प्लैंक लगानी पड़ेगी भाई, बहुत ही ज़्यादा तरीके से मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये ना पूरे इन सबको मिला देना है हमें, इसको पहले तोड़ते हैं, अब सामने वाले इसको ना पूरे को मिला देना है, पूरे से एकदम जॉइंट कर देना है। ओके अब सामने से मुझे इसे जॉइंट करना है भाई, यहाँ पे शिफ्ट का बटन छूटा और भाई मेरा तो मौत पक्की है एक तरीके से, और इसी को अब मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और इसके आगे ना गाइज मुझे यहाँ पे 3 ब्लॉक और आगे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को ना पूरा एक लंबा वो चाहिए, जिससे आयरन या आयरन गोलम को ना स्पेस चाहिए होती है उस स्पॉन होने के लिए, तो हमें इसको ना थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, छोटे से काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे हम लोग एक काम थे 3-4 ब्लॉक और आगे बढ़ा देते हैं इसे। अरे यार यहाँ पे मैंने और बहुत सारी बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो हम लोग ऐसे करके पूरा आगे कर देते हैं। तो ओके गाइज मैंने ना यहाँ पे 3-4 ब्लॉक, कम से कम 3 ब्लॉक मैंने आगे लिया और यहाँ से पूरा कंप्लीट कर दिया। और ऐसे ना हम मुझे इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा, इसी को भी जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, मतलब बहुत ही सही लगने वाला है जो बनाने वाले हैं, जो चीज़ बना रहे हैं उसमें टाइम लगेगा पर बहुत सही बनेगी। तो ओके गाइस यहाँ पे पूरी रात हो चुकी है और भाई मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है, तुम लोग देख सकते हो ऊपर का एरिया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जो वॉल है वो हम बाद में लगाने वाले हैं। पर लेकिन यार मैं यहाँ से कूदूंगा कैसे, मेरे पास तो भाई बकेट भी नहीं है पानी की, तो मुझे ऐसे ही कूदना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, बस मरूँ नहीं वो भाई, सिर्फ आधे हार्ट वो एक हार्ट से बचाऊँ भाई, जल्दी भागो यहाँ से जल्दी भाई भागना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो भाई मॉप वाले तो चटनी बनाते हैं। और भाई इस लोकेशन पर ना पता है जंगल था पहले, तो जंगल को मैंने पूरा जला के ये घर बनाया था ना, तो उससे क्या है गाइस इधर है ना मॉप ज़्यादा स्पॉन होते हैं, इधर की साइड ना अंधेरा ज़्यादा रहता है, इधर की जो लाइट है ना सन की वो आती नहीं है बिल्कुल भी। ओके तो यहाँ पे अभी हम लोग सो जाते हैं और जल्दी से भाई पहले सुबह हो जाए, रात में काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मॉब्स साले काम ही नहीं करने देते हैं। ओके तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे जल्दी से, यहाँ पे कुछ सामान, तो यहाँ पे हम लोग पहले एरोस रख लेते हैं, एरोस काफ़ी रिंगी थी भाई यार, ये हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी खाती है, मेरे पास इतना फूड भी नहीं बचा है। ओके तो यहाँ पे अमीर ना सबसे पहले यहाँ पे हमें चेस्ट वेस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार हमारे पास ना चेस्ट नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं ना, पहले हम लोगों को सामने से सैंड इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ग्लासेस की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा जो एरिया ना वो पूरा ग्लासेस से कवर होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को सैंड लानी पड़ेगी। ओके भाई ये कौन है सबसे पहले, इसे मैं पहले बताता हूँ, साले पहले कहाँ है भाई मेरी बो, कहाँ है आ जाते जी, पहले तो खोपड़ी उड़ाता हूँ, कहाँ है, अरे कहाँ गया भाई तू, लगता है सारा जल के मर गया, दोपहर में मेरे ऊपर तीर चला रहा था, हरामी कहेगा।
और भाई इधर से उधर दूसरे उसमें जाने का ना रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा पड़ जाता है, मतलब चल चल के ना हालत खराब हो जाती है। तो इसका भी भाई पहले जुगाड़ मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ भी भाई एक पूरी रेल लगाऊंगा मैं यहाँ पे पूरा। तो ओके गाइस, अभी हम लोग सैंड के पास तो आ चुके हैं, जल्दी से थोड़ी बहुत सैंड इकट्ठी कर लेते हैं जिससे यार हम लोग ना ग्लासेस बना सकें। और देखो ये वाला मेरा लेफ्ट क्लिक ना फिर से परेशान करने वाला है। ओके अरे यार लग जा भाई, ये भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है मुझे भाई, ये देखो अब काम ही नहीं कर रहा है भाई, काम कर जा नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा आज मैं। ओके भाई ऐसे करके ना मुझे पूरी सदियों बीत जाएंगी भाई, चल जाना एक बार में चल जा। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने सैंड इकट्ठी कर ली और मैंने यहाँ पे सैंड को ना बंद करने डाल दिया जिससे यार हमारी ना ग्लासेस बन सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्लासेस बन जाएंगे अभी। और यहाँ पे देख लेता हूँ भाई कुछ काम का आइटम पड़ा हो, क्योंकि भाई बहुत सारा आइटम इकट्ठा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ काम का आइटम दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे सैंड पड़ी हुई थोड़ी सी, इस सैंड को भी ना उसी में डाल देते हैं। तो देखो इस तरीके के हमारे पास ग्लासेस बन जाएंगे। और मेरे पास ना गाइस इंक नहीं है, नहीं तो यार मुझे ना ब्लैक वो चाहिए थे, और इंक यार मुझे पता नहीं कहाँ पर मिलती है, मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो यहाँ पे इसे ले हटा देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक वाटर बकेट, भाई वाटर बकेट की ना बहुत ज़्यादा नीड रहती है यहाँ पर। यहाँ पे हमने वाटर बकेट, फालतू का सामान हमें सब हटा देना है। तो ओके गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे पास ना ग्लासेस बहुत सारे हो गए हैं, इतने में तो शायद काम हो जाएगा, अभी का काम हो जाएगा, बाद में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम और ले आएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो थोड़ा बहुत बनाना शुरू करते हैं। अब हमें ना दोबारा से भाई इसके ऊपर चढ़ के दोबारा से बनाना पड़ेगा भाई, इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बार बार ऊपर चढ़ो बार बार नीचे आओ बहुत ज़्यादा। और ऊपर से भाई लेफ्ट क्लिक का बटन और काम नहीं कर रहा है मेरा। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, तो अब हमें ना गाइस यहाँ पे तीन ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे, चार नहीं आई थिंक, नहीं तीन 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 आई थिंक बहुत हैं, हाँ तीन तीन ब्लॉक बहुत हैं। ओके तो यहाँ पे ऊपर का एक ब्लॉक और तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमने तीन ब्लॉक तोड़ दिए हैं, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पे ग्लासेस लगाने हैं, उससे पहले हमें तीन ब्लॉक ना स्टोन लगाने पड़ेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लासेस ना पहले यहाँ पे ग्लासेस लगा देते हैं, पहले ग्लासेस का काम है, फिर स्टोन का काम तो बाद में पड़ने वाला है हमें। यहाँ से लगाना है चारों साइड से, मुझे यहाँ पे पूरा कवर करना है ग्लास से। ओके इधर आके इधर से थोड़ा ग्लास यहाँ पे लगा दिया और इसे यहाँ पे लगा दिया, 1 2 और ये 3, इस साइड से और लगाना है। भाई बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि यहाँ पे हल्के से भी गिरे ना और इस बार तो पूरी हल जाने वाली है, फिर ऊपर चढ़ के दोबारा आना पड़ेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा केयर से काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके तो इसे तोड़ दो, तो अब यहाँ पे मुझे नीचे जाना है, तो अब मेरे पास तो बकेट है, मैं आराम से नीचे जा सकता हूँ। ओके भाई लग जा, अरे भाई बहुत सही, एक ही बार में लग गया। अब गाइस इस चीज़ में ना मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ इस वाली MLG में, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया। ओके गाइस, तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और अभी सबसे पहले ना हमें यहाँ पे स्टोन्स तोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्टोन्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। तो यहाँ पे स्टोन्स के लिए यार यहाँ पे भाई मैं क्या हाथ से तोड़ रहा हूँ, मेरे पास पिकेक्स पड़ी है भाई, मेरा भी ना दिमाग अलग ही नशे में डोल रहा है इस समय, मेरे पास पिकेक्स पड़ी है तब भी भाई मैं हाथ से तोड़ने वाला हूँ भाई, कोई नहीं भाई पिकेक्स हमारी बहुत सही है। तो जल्दी से यार हम लोग ना स्टोन्स तोड़ते हैं जल्दी जल्दी भाई, बहुत सारे स्टोन्स तोड़ने हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे स्टोन्स तोड़ लिए हैं कोबल स्टोन्स, तो अभी ना हम लोगों को इसे मेल्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यार हमें ना पहले क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी और एक फर्नेस बनानी पड़ेगी, वो तो अच्छा भाई कोल ना मेरे पास पुराना रखा हुआ है, बचा के मैंने रख लिया था, नहीं तो भाई इस समय बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ने वाली थी कोल की, एक घंटा तो कम से कम हमें माइनिंग करने में ही निकल जाता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना एक फर्नेस बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक हमारी फर्नेस बन चुकी है, तो यहाँ पे एक हम लोग रख देते हैं अपनी फर्नेस और यहाँ पे इसे रखते हैं, और सबसे पहले स्टोन को मेल्ट होने देते हैं भाई। स्टोन को मेल्ट करने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो जब तक एक काम करते हैं ना हम लोग ऊपर का काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं जब तक ना हम लोग एक सीढ़ी बना लेते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमें ना ऊपर का भी काम बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और हम बार बार जाएंगे तो ऐसे काम नहीं बन पाएगा। और उसी सीढ़ी से ना हम लोगों को क्या करना है, जॉम्बीज को भी ऊपर ले जाना है, और उससे उसके बाद हमें ना विलेजर्स को भी ऊपर ले जाना है, क्योंकि भाई इनको भी तो अंदर डालना है ना, बहुत ज़्यादा टफ काम होने वाला है, सबसे ज़्यादा तो विलेजर्स को बिठाना ना बहुत ज़्यादा कर्रा काम होने वाला है। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे वो बना लेते हैं, सीढ़ी बना लेते हैं, तो यहाँ पे स्टेयर्स है हमारी, स्टेयर्स से भाई पता नहीं स्टेयर्स से तो बनने नहीं वाला, तो मैं सीधे एक ब्लॉक से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से भाई इतनी बड़ी हमें पूरी ऊपर तक हमें ना सीढ़ी बनानी पड़ेगी जैसे यहाँ पर, और ओके इसी धीरे धीरे करके ना इसी से भाई इसी के ऊपर ना मैं एक रेल बना दूंगा, रेल सिस्टम बना दूंगा, जिसमें मैं ना
माइंड कार्ट पे उनको बिठा कर ना विलेजर्स को देखो भाई फिर गिर गया, विलेजर्स को बिठा के ऊपर सीधा ट्रांसफर करने वाले हैं। तो चलो भाई एक काम करते हैं जल्दी से बनाते हैं। ओके तो ओके गाइज ना यहाँ पे ना पूरी यहाँ पे बड़ी सी सीढ़ी बन चुकी है। मैंने जब शुरुआत में करा था ना वो एरिया थोड़ा छोटा पड़ गया था, मुझे थोड़ी दूर से बनानी थी, तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरा ये बन चुका है, हमारी पूरी सीढ़ी बन चुकी है। अब इससे ना ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ज़्यादा हमें दिक्कत की वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते भाई हमारे ना थोड़े बहुत स्टोन्स तो हो ही गए होंगे भाई, देखते कितने स्टोन्स हो गए, लगभग आधा घंटा। ओके भाई 41 हो चुके हैं, चलो बहुत है इतने तो, अभी इतने बहुत हैं। तो एक काम करते हैं ना अभी ऊपर का नीचे जो भी एरिया ना वो बना लेते हैं, फिर हमें यार दोबारा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। ये काम ना मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है इस समय, बार बार ऊपर जाना नीचे आना एक भाई बहुत ही गंदा काम लगता है। तो सबसे पहले भाई इसको तोड़ो, ये देखो मेरा लेफ्ट क्लिक एक तो एक बार में काम ही नहीं करता है कभी भाई, काम कर जा। ओके भाई और सामने तो मॉब्स और डोल रहे हैं। तो ओके गाइस मैं यहाँ पे ऊपर तो आ चुका हूँ और अब जाके भाई अब ना सबसे ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि भाई अब हल्की सी भी चूक हुई ना और मैं नीचे गिरा तो भाई खेल खत्म है मेरा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे मुझे चाहिए स्टोन्स, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे बनाना है। ओके तो यहाँ पे मुझे एक दो और एक और चाहिए भाई, वो कहाँ है मेरी एक्स। ओके तो यहाँ पे से तोड़ लिया हमने। ओके तो यहाँ पे जो है ना गाइस एक एक पूरा हम लोग तीन विलेजर्स रखेंगे और एक साइड से जहाँ से हमारा वो गिरेगा आयरन गोलम, तो एक साइड से तो इधर से हो गया और एक साइड से हमें यहाँ पे भी करना है भाई। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, ये काम ना सबसे ज़्यादा टफ लगने वाला है मुझे। ओके तो यहाँ पे अब ना यहाँ से हमें पूरा ग्लासेस से कवर करना है, जिससे ना जो विलेजर्स है ना वो बाहर नहीं भाग जाए, तो हमें ऊपर तक पूरा कवर करना पड़ेगा। ओके इसलिए मुझे भी एक ब्लॉक ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओके तो इस तरीके से ना हमें सारे जो तीन ब्लॉक हम बनाने वाले हैं ना इनको ऊपर से पूरा ग्लासेस से कवर करना पड़ेगा। तो ओके यहाँ पे हम लोग तोड़ते हैं और इसको भी जल्दी से कवर करते हैं। भाई टूट जाए यार, जल्दी टूट जा, अंधेरा भी होने वाला है, पहले काम करते कल जाके सो जाता हूँ। पर कोई ना वैसे इतने ऊपर अभी मॉब्स नहीं आने वाले। ओके तो यहाँ का भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब हमें करना है दूसरी साइड से। तो ओके गाइस अभी ना हम लोग ऊपर चलते हैं और भाई उधर का काम तो आधा ही हुआ है भी हमारा, लेकिन सबसे पहले हमें ऊपर का काम भी करना ही होगा। और भाई स्टेयर्स से जाने का ना पता है बहुत ही ज़्यादा फायदा है, नहीं तो मुझे अभी तक भाई दोबारा ब्लॉक व्लॉक लगा के चलने पड़ता। तो यहाँ पे देखो इधर आ गए हम लोग, तो अंदर जाने के लिए ना मुझे उधर दूसरी साइड से करने के लिए यहीं से जाना पड़ता, क्योंकि वहाँ से मुझे दोबारा से वो लगाना पड़ता ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। ओके तो भाई ये टूट जाए ग्लास, ओके टूट गया। तो यहाँ से भी हमें ना चारों साइड से कवर करना है। ओके तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से हम करते हैं भाई, ग्लासेस कम पड़ गए क्या, नहीं और भी हैं, चलो ग्लासेस भाई ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ का एरिया तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब आ जाते भाई इस वाले ब्लॉक पर हम लोग। तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3 भाई ये ग्लासेस टूट चल जा भाई, टूट जा ना। ओके तो गाइस चलो यहाँ से अभी हम लोग इसको भी कवर कर देते हैं पूरा। ओके गाइस तो मैंने ना वहाँ का पूरा एरिया कंप्लीट कर दिया है और अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई, मुझे ना गोल्ड की ज़रूरत है, क्योंकि गोल्ड से पता है हम लोग क्या करना है, हमें ना एक पावर ट्रेल बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो स्लाइड जो है ना ऊंची है, तो भाई उसमें ना हम लोग नॉर्मल वाली रेल काम नहीं करने वाली है। तो अच्छा हुआ भाई मेरे पास पुराना गोल्ड पड़ा हुआ था, रॉ गोल्ड पहले, तो हमें ना ऐसे सबसे पहले इसकी वो बनानी पड़ेगी ब्रेक। तो ओके गाइस यहाँ पे हमारे पास 16 ब्रेक तो यहाँ पे आ चुकी है और अभी ना हमें पड़ेगी रेडस्टोन की ज़रूरत। भाई अच्छा हुआ पहले हमारे पास बहुत सारे जो हमने माइनिंग करा था ना उससे काफ़ी सारा सामान बचा के रखा है, तो रेडस्टोन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, रेड टॉर्च की। और अभी हमें क्या बनाना है, एक चीज़ और बनानी है गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा भाई। ओके तो यहाँ पे पहले इसे ले लेते हैं, वो चीज़ मैं भूल गया, चलो खैर बाद में देख लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे गोल्ड हमने ले लिया है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी जगह पर और इस तरह ना अभी हम लोग पावर ड्रिल बनाते हैं, ऊपर जो सीढ़ियाँ गई ना उस पर हम लोग पावर ड्रिल बनाने वाले हैं। ओके भाई जल्दी चल, पावर ड्रिल बनाने में भाई बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया मेरा, पूरा गोल्ड जितना भी गोल्ड बचा था ना वो पूरा गोल्ड लग गया मेरा, और आई थिंक और मेरे हिसाब से शायद कम भी पड़ सकता है गोल्ड, तो मुझे और भी आगे गोल्ड लेके जाना पड़ेगा।
वैसे कम पड़ेगा नहीं, बहुत है, इनफ है। और वैसे भी 10-12 गोल्ड और भी रखे हुए हैं मेरे पास, वो मैंने संभाल के रखे गए हैं। तो ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, जो 3-4 चीज़ काम की है ना पहले वो बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा पहले तो फूड रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फूड बिल्कुल भी नहीं है, फूड ख़त्म ही होने वाला है। तो यहाँ पर अब हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी एक इसकी, क्योंकि हमें 3 बेड चाहिए, 3 विलेजर्स से हमारे पास, तो हमें 3 बेड चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग 3 बेड बना लेते हैं। भाई एक बार में नहीं आते क्या, अलग अलग लेना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, 4 बेड बहुत हैं, 3 इनके लिए एक हमारे लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग पहले बना लेते हैं एक पावर रेल। तो पावर रेल बनाने की रेसिपी मुझे पता है, यहाँ पे ऐसे रखते थे और एक रेड स्टोन रखते थे और कुछ ऐसे रखते थे, एक स्टिक रखते थे आई थिंक। देखो यहाँ पे हमारे पास एक उससे 6 पावर ट्रेल आनी है, एक हमारी न्यू रेसिपी बन चुकी है। तो यहाँ पे और भी काम करते हैं जल्दी जल्दी से ना, और भी सारी पावर ट्रेल्स हम लोग बना लेते हैं। भाई पावर जो रेल पे जो चलने मज़ा आता है ना, वो अलग ही आता है, मैंने देखा है भाई यूट्यूब पर, बहुत लोगों को बहुत तगड़ा होता है। तो ओके गाइस, सभी लोगों ने यहाँ पे पावर ट्रेल बना दी है और चलो जल्दी जल्दी से और बनाते हैं। अब यहाँ से हमें ना ऊपर तक पूरी पावर ट्रेल ले जानी पड़ेगी अपनी। भाई यहाँ पे ना एक काम करते हैं, किधर से भाई यहाँ पे मुझे एक इसकी और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बगल बगल में ना हम लोग का रेड, वो रेड टॉर्च भी लगानी पड़ेगी, जिससे ये पावर मिलेगी, बिना पावर के ये लोग चलने से रहे। ऊपर तक ले जा रहे भाई, कितनी सेटिस्फाइंग फील दे रही है ये। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक। ओके भाई गेर मत जाइए तू यार, चलो ये तो हम बाद में लगा देंगे, पहले हम लोग पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लेते हैं। ओके ओके भाई मेरे हिसाब से कम पड़ गई। ओ भाई जिसका डर था वो यू आप पावर ट्रेल कम पड़ गई। खैर कोई ना, इतनी भी कम नहीं पड़ी, यहाँ तक तो हम लोग आ ही चुके हैं, ये हम बाद में कर लेंगे। तो अभी एक काम करते हैं ना, एक और जगह से हमें लगानी पड़ेगी, 2 आई थिंक काफ़ी रहेंगी। अब यहाँ पे लगाते हैं एक रेड टॉर्च और आगे जाके एक इधर भी हमें रेड टॉर्च लगानी पड़ेगी। ओके आई थिंक यार मुझे ना इसे थोड़ा नीचे लगाना है रेड टॉर्च को, इसको ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको तोड़ देते हैं भाई, टूट जाए। ओके तो यहाँ पे मैंने पूरी रेड टॉर्च लगा दी, एक यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, 3 उसके लिए एक रेड टॉर्च खर्च करनी पड़ी। ओके तो यहाँ पे ना मैंने रेड टॉर्च लगा दिया, तो इससे है ना अपनी पावर ड्रिल जो है ना गाइस स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी एक काम करता हूँ, अभी तो हम लोग सोने चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़ॉम्बीज आ गए ना तो भाई हालत ख़राब कर देंगे। तो ओके गाइस, यहाँ पे जो मेरी जो थोड़ी बहुत पावर ड्रिल्स कम पड़ रही थी ना, वो मैंने और बना ली है। तो एक स्टैक बना लिया मैंने, तो एक स्टैक में पूरी 6 बनती है, तो आई थिंक इतनी नहीं काफ़ी रहेगी। भाई ये दोबारा से कम पड़ गई, भाई पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है इस समय, भाई अलग ही नशे कर रहा हूँ मैं आज, दोबारा से कम पड़ गई। तो एक काम करते हैं, तो और काम कर लेते हैं, एक काम करते ना गाइस, जब तक ना विलेजर्स के लिए बेड लगा देते हैं। तो ओके गाइस, मैं ना यहाँ पे बेड ले आया हूँ, तो यहाँ पे ना विलेजर्स के लिए हम लोग अपना बेड लगा देते हैं। तो इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। ओके और मेरे पास वाटर बकेट है ही, मैं आराम से ऊपर जा सकता हूँ, मैं एकदम चिल मार के ऊपर जाऊँगा। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके तो अब शायद मैं चले जाऊँ। ओके तो ऐसे ही मुझे इधर भी जाना पड़ेगा। अरे ओके तो यहाँ पे मुझे एक और बेड की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक 3 विलेजर्स गाइस काफ़ी रहेंगे जॉम्बी को, वो आयरन कॉलम को स्पॉन करने के लिए। तो चलो यहाँ पे अभी हम ऊपर चलते हैं, इधर से भी हो गया, अब एक रह गया इधर से, भाई काफ़ी ज़्यादा सही। एक और बेड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे एक और बेड लगा दिया। तो हमने भाई गाइस पता है पूरे 3 बेड लगा दिए हैं, और अब इस एरिया को हम लोग बस इधर ना विलेजर्स लाने हैं और अंदर एक जॉम्बी ला के रखना है। और विलेजर्स को लाना ना सबसे कर्रा काम है, विलेजर्स भाई जब हालत ख़राब कर देने वाले हैं अपनी, मुझे 101% पता है। ओके तो यहाँ पर ओके तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, और सबसे ना पहले हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर मुझे चाहिए एक आयरन, क्योंकि इसके लिए पहले मुझे चाहिए एक माइनक्राफ्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि अपनी जो माइन रेल है वो कैसे काम कर रही है। बाकी जो थोड़े बहुत कम पड़ रहे थे ना, वो रेल मैंने लगा दी है, और अब देखते हैं भाई अपनी रेल कैसी चल रही है। मैं लिटरली पहली बार बैठने वाला हूँ रेल पे, कि कैसा एक्सपीरियंस होता है रेल का। ओके तो यहाँ पे बैठते हैं। ओ भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रोलर कोस्टर पे बैठ के आ रहा हूँ मैं। अगर भाई मैं तो इतनी देर में यही इमेजिन कर रहा था भाई, ये बहुत लंबी एक बनी हो ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। अब भाई अब इसको मैं बहुत लंबा बनाने वाला हूँ, मेरे दिमाग पे चढ़ गया है, तो भाई अलग ही सीन कर देंगे इसका भी। तो चलो अभी ना अभी हम ऐसे नीचे ही चलते हैं, बहुत सारे काम हैं। अरे यार मैं उतर के गलती से शिफ्ट का बटन दब गया, ये नीचे चलिए। कोई ना, खैर हमारे पास वाटर बकेट है, हम लोग नीचे ही इससे ही चले जाते हैं। इससे गिरने में जो एमएलजी करने मज़ा आता है ना, वो अलग ही होता है। तो देखो यहाँ पे पहले इसको तोड़ के ना इसको पहले सेट कर देते हैं हम लोग। ये इधर से आ जाती है, बार बार रेल से हट जाती है, इसकी जुगाड़ करनी पड़ेगी। ओके गाइस तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ गए भाई बहुत सारे, ये लोग साले सोने नहीं देंगे मुझे ऐसा लग रहा है।
भाई रुको, तुम्हारी ना बैंड बजानी पड़ेगी नीली सीधे हरी सी खोपड़ी का। भाई ये पता नहीं कौन सा विलेजर है, पता नहीं देख रहे कौन सा ज़ॉम्बी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इस वाले को। और भाई यहाँ पे एक्सपी हमारे पास बहुत मिल चुकी है और यहाँ पे हमें गन पाउडर भी मिल गया। ओके भाई सो जाओ सो जाओ, बच गए नहीं तो भाई अभी मर जाते हम। तो ओके गाइस सुबह हो चुकी है और ओके तो गाइस अभी ना मुझे यहाँ पे एक आइडिया आया है। तो यहाँ पे ना गाइस अभी मैं इधर आ चुका हूँ और अभी ना मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक मुझे शवल बनानी है और शवल से ना मुझे एक पूरी सीधी रोड बनानी पड़ेगी जिससे मैं बोट में बिठा के जो विलेजर्स हैं उनको ला पाऊँ। क्योंकि जो इधर से लेके अपने मॉडर्न हाउस तक के घर का जो रास्ता है ना बहुत उबड़ खाबड़ सा है जिससे भाई बोट तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, तो हमें एक सीधा रास्ता बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई सबसे पहले मुझे एक डायमंड चाहिए और उसके बाद मुझे चाहिए दो स्टेक और एक डायमंड लगाना पड़ेगा जिससे हमारी एक शवल बन जाएगी, क्योंकि हाथ से तोड़ेंगे तो भाई हालत ख़राब होने वाली है। तो चलिए अभी हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पे तो इधर का काम तो हो गया है पूरा, अभी नीचे चलते हैं और जल्दी से एक जगह ढूंढते हैं जहाँ से हम लोग पूरा सीधा अपने वहाँ तक का एक सीधा रास्ता बना सके। खुदाई करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, तो इससे हम लोग आराम से बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और भाई अलग ही नशे है, देख रहे हो आयरन गोलम, मतलब मैं विलेजर्स को ले जा रहा हूँ तो आयरन गोलम मुझे मार रहा है भाई, पता नहीं मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तुम लोग बताओ ऐसा होता है क्या कि विलेजर्स को ले जाते तो आयरन गोलम हमें क्यों मार रहा है भाई, अलग ही नशे करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है यार, मैं क्या दौड़ रहा हूँ, मैं भी ना अलग ही नशे में चल रहा हूँ। सुनो किधर से बनाऊँ रास्ता, सामने दिखना चाहिए। ओके ओके देखो यहाँ पे आयरन फार्म है, तो ठीक है यहाँ से हम लोग सीधा सीधा रास्ता बना दें। पहले एक स्टैक काटते हैं फिर दूसरी तरफ से काटना पड़ेगा क्योंकि एक बार में तो नहीं जाने वाली वो, एक ब्लॉक दो ब्लॉक का मैं वो बनाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से हम लोग ना आगे स्पेस बनाते हैं ऐसी करके मैं पूरा रास्ता, अभी तो पानी का एरिया भी आने वाला है। तो ओके गाइस मैंने ना यहाँ पे पूरी एक केव बना दी है और यहाँ पे ना बीच में पानी भी बह रहा था, वो मैंने सब ब्लॉक ब्लॉक हटा के सब सेट कर दिया है, तुम लोग देख सकते हो। तो ओके भाई केव देखो भाई कितनी ज़्यादा सही लग रही है इस समय, कुछ ऐसा इसमें खास कुछ खास है नहीं पर फिर भी देखो भाई बहुत कर रही लग रही है। तो देखो सामने मेरे विलेजर्स भी खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं आराम से, रुक जाओ भाई इनको लेके आता हूँ। अच्छा भाई मुझे यहाँ उन्हें ना यहाँ तक लाना भी नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, इनको बोट में बिठाना भी बहुत टफ काम है भाई, बोट में तो ये लोग आराम से बैठ जाएंगे यार, बैठ जाओ ना जल्दी आओ जल्दी आओ भाई आ जाओ यार। ओके ओके एक तो आ चुका है, चलो इसे लेके चलते जल्दी से चल ले विलेजर। भाई ये कितनी धीरे चल रही है गाइस, ये बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। ओके भाई ऐसे ऐसे जाएंगे ना तो कम से कम दो तीन घंटे तो भाई आराम से लग जाएंगे, कितनी ज़्यादा धीरे चल रही है और भाई कितने आराम से बैठा हुआ है ये। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भाई, इतने टाइम लग गया ना इसे यहाँ तक लाने में पूछो मत। तो यहाँ पे एक काम करें सबसे पहले माइनकार्ट लाते हैं, भाई तू इस पर बैठ जाइए भाई, इस पर बैठने में ना ये मुझे पता है रुला देने वाला है मुझे। ओके तो आ जा भाई इधर से उठ जा, चल बहुत बैठ लिया तू, अब थोड़ा खड़ा हो जा, इस पर बैठ जा भाई, तुझे रोलर कोस्टर की फ्री में राइड दे रहा हूँ भाई, ऊपर चला गया, यही दिक्कत होती है भाई पावर ड्रिल में यार, अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। अरे अरे आगे आगे, अरे भाई फिर ऊपर चला गया मेरे से टकरा के, कहीं से बार बार ऊपर जा रहा है, पावर ड्रिल में बस यही प्रॉब्लम होती है। तो रुक जा भाई, अरे आगे 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 भाई साहब, भाई आ जाना इधर भाई, ये बैठ ही नहीं वाला मुझे ऐसा लग रहा है भाई, जल्दी बैठ अबे भाई। भाई कितने चाहिए, 150 रुपये चाहिए, 150 ले ले भाई तू बैठ जा। लेकिन गाइस ये बैठने का नाम ही नहीं भाई, बैठ जाना रुको रुको इसे तोड़ता हूँ भाई, ले तेली ये लिया हूँ, इस पे बैठ जा गुरु बैठ जा भाई, ये इसके लिए मुझे रेल लगानी पड़ेगी जब जाके ये उधर होगी। आजा 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 मेरे पास आ जा। तो ओके गाइस भाई फाइनली इतने देर के बाद बैठ गया भाई, साले ने रुला दिया तुम्हारी कसम भाई, बुरी तरीके से रुला दिया था। अब भाई इसको पहले इसके अब इसके बॉक्स में डालना पड़ेगा मुझे, बॉक्स में भी भाई चले जाइए आराम से, नीचे गिर गया तो ये साला मरेगा, वैसे तो मरेगा नहीं, इतनी बुद्धि तो है इसमें। ओके तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, इसी ब्लॉक में गिरा दूँगा सीधे। अरे दे 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 भाई मरियो मत, तू मरियो मत, बहुत टाइम लगा इतने जलाने में मुझे भाई। इधर आ इधर आ, आजा 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 भाई, जैसे गाय को बुलाते ना वैसे बुला रहा हूँ मैं भी भाई, जल्दी चल जल्दी जा, ऐसे काम करते से ढक्का मार मार के भेजते हैं, ऐसे ढक्का मार मार के जाएगा ये, जा 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 जा। ओके 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 तो यहाँ पे एक काम करते हैं जल्दी से, हमें पहले इसे नेम देना पड़ेगा नहीं तो ये डिस्पॉन हो जाएगा। ओके बॉट बॉट नाम से मैंने दे दिया। तो ओके इसे अब ना जल्दी से बंद कर देते नहीं तो भाई, नहीं खैर भाग तो वैसे भी नहीं पाएगा ये। तो ओके यहाँ पे हम लोगों ने इसे बंद कर दिया है,
तो ओके गाइज, मैं ना अभी एक और विलेजर जल्दी से लेके आ चुका हूँ। भाई विलेजर लाने में ना हालत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है विलेजर्स को लाने में। भाई जल्दी जल्दी आ जा तू। और एक तो भाई ऊपर से ये बोट इतनी ज्यादा धीरे चल रही है ना, मतलब पूछे ही मत, अलग ही सीन चल रहा है इस बोट का भी। तो चलो भाई यहाँ पे आ गया। अब भाई ये रेल पे बैठने में ना पता है रुला देगा दोबारा से मुझे, पर कोई नहीं, अब मुझे थोड़ी बहुत ट्रिक पता चल गई है, अभी सीधा बैठेगा। जल्दी आ जा भाई, अब इतना नाटक मत दियो, नहीं तो यहीं से मारूंगा ना साले, गिर के मर मर आ जाएगा तू। इधर आ भाई, पहले इधर आ जा तू भाई, आ जा मेरे प्राणी, इधर आ जा भाई, इस पे बैठ जाना। क्या चाहिए तुझे भाई, लड़की ला के दू क्या? ओके भाई, लड़की के नाम पे तुम लोग देख रहे हो कितनी जल्दी आ गया और ऊपर बैठ गया। तो चलो भाई इसको जल्दी से बंद करते हैं अंदर। भाई बहुत ज्यादा भाई लड़की के नाम पे एक बार पे आ गया लौंडा। चलो ओके, देख सामने बैठा हुआ है भाई, नहीं है, हाँ नहीं है, सिर्फ लाने का बहाना। तो रुको भाई, इसे ना खिसका खिसका के यहीं से ले जाता हूँ, नहीं तो इन्हें ये लोग भागते हैं भाई। चल यार ऐसे आराम से भाई, हमें ना आराम से खिसकाना पड़ेगा, एकदम से प्रेशर नहीं डालना, एकदम चिल मार के। भाई मेरा चिलिंग वो खत्म हो रहा है भाई, जल्दी चलना। हाँ भाई ऐसे खिसकाना भी बहुत मुश्किल टास्क पड़ रहा है भाई, चलना भाई, इधर से उधर भाग रहा है। चल 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 भाई, इसको ना इसके अंदर ढकेलना है मुझे, आई थिंक इतना बहुत है, नहीं थोड़ा और डालना पड़ेगा। चल और चल, आई थिंक इतना बहुत है, अब मैं इसको तोड़ देता हूँ। अरे भाई ये क्या दिक्कत है इसको, भाई ये आ ही नहीं पा रहा भाई, चले जाना अंदर प्लीज, चले जा भाई, जा ना। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे जो है तीनों विलेजर्स हैं जो अंदर कैद कर दिए एकदम मस्त तरीके से। और भाई ये रही ओपी वाली मेरी MLG, मतलब सारे तीनों भाई, जो मुश्किल टास्क था ना सबसे वो तो हो गया, जॉम्बी को पकड़ के लाना तो भाई 2 मिनट का काम है। तो चलो गाइस यहाँ पे ना हमारे स्टोन्स तो हो चुके हैं, तो अब ना यार हमें क्या करना है, यहाँ पे ना वॉल बनानी है, जो कि भाई हम लोग ऊपर से पानी डालेंगे ना तो उसके कवरिंग पे हमें वॉल लगानी पड़ेगी। तो ओके, मैंने इस यहाँ पे ये वाली वॉल स्टोन ब्रिक्स की हम लोग वॉल लगाने वाले हैं। भाई आ जाए भाई, पहले स्टोन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, स्टोन्स तो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब मेल्ट बहुत देर से हो रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम लोग वॉल लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉल लगाई, तो इस तरीके से कुछ हम लोग वॉल लगाने वाले हैं। ये वाली वॉल का लुक एकदम अलग ही आ रहा है और बाकी सारी उससे मैच भी कर रही है। ओके यहाँ से लगाते हैं, ठीक यहाँ से, और अब लगाते हैं। भाई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क, ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं है, पर भाई गिर जाते हैं ना तो भाई बहुत हालत खराब हो जाती है। ओके, तो अब भाई मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे मुझे अब साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे नहीं आ पाएगा फिर ये। ओके यहाँ से, और फिर अब मुझे लगता है इसको तोड़ना पड़ेगा पहले मुझे। ओके, तो अभी यहाँ से आएगा सीधे 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 लाते हैं। चलो भाई इसे ना जल्दी से कंप्लीट करते, दिमाग खराब कर रहा है ये। तो ओके गाइज, मैंने ना यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कर दिया, तुम लोग देख सकते हैं यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से नीचे आयरन गोलम जाके जो अब हमें वाला कवर बनाना है जिसमें अंदर पानी और लावा वावा वाला जो सीन होता है ना वो करना पड़ेगा अभी हमें। तो अब सबसे पहले वो ही बनाते हैं भाई, अब वो रह गया है और ऑलमोस्ट पूरा डन ही हो चुका, मतलब हाफ से भी ज़्यादा हमारा पूरा काम हो गया इसके अंदर। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं भाई यहाँ पर, हमें क्या चाहिए भाई, क्या ऑन था ये भाई, इन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ ने ना हालत ख़राब कर रखी है। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ब्रिक्स बनानी पड़ेंगी बहुत सारी, और स्टोन हमारे पास वो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टोन हम लोग बाद में ले लेंगे, पहले हमें ब्रिक्स ऊपर पूरा वो बनाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे ले लेते, तो इधर की साइड से बनेगा आई थिंक, हाँ इधर की साइड से ही बनेगा। तो यहाँ ऊपर चलते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ, और तो गाइस इस साइड पे ना मुझे अपना वो पूरा स्क्वायर टाइप का इस बॉक्स सा बनाना है जिसके अंदर भाई जो आयरन गोला में गिरेगा लावा में जाएगा, उसके बाद उसका जो आयरन वो पानी में होके हॉपर से गुजर के फिर चेस्ट में जाने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला काम करने वाले अभी हम लोग। तो यहाँ पे इतना बहुत आई थी, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधे आयरन गोलम जो है ना यहाँ पर गिरेगा, तो मुझे आई थिंक यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसका। भाई दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो इसमें, इधर से और ओके यहाँ से यहाँ बनेगा। वैसे इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं बनाने को इस वाले इसमें, तो एक काम करते हैं भाई जल्दी से वाला पार्ट बनाते, बहुत मुश्किल है ये। ओके गाइस, तो मैंने बना लिया भाई, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था पर भाई कोई नहीं, बन गया। मैंने ऊपर से पूरा ग्लास की लेयर से कवरिंग कर दिया और नीचे मैंने पूरा एरिया बना दिया जहाँ पे लावा पानी और हॉपर था, चेस्ट रखी जाएगी, तो मतलब अलग ही भाई मज़ा आएगा। तो चलो अभी चलते। तो गाइस मैंने यहाँ पे तुम लोगों से कहा था कि मैं एक रेल पूरा रोलर कोस्टर टाइप का बनाने वाला हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से तोड़ने वाला हूँ। तो जो है ना अपनी जो चेस्ट है ना, रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से मैं इसे तोड़ूंगा, तो
तो यहाँ से मैं इसे तोड़ूंगा है ना, और इसे ना अपना पूरा वहाँ पे चेस्ट वाली लोकेशन पे ला दूंगा, क्योंकि भाई हमें ना फिर बार बार आयरन लेने ना ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ब्लॉक से ऊपर जाना पड़ेगा। इससे हटा मैं एक रोलर कोस्टर सा बना दूंगा जो कि भाई हमें वहाँ से लेके चेस्ट पे छोड़ देगा, फिर चेस्ट हम लोग आयरन इकट्ठा करेंगे फिर अपना वापस आ सकते हैं। और भाई इसमें अलग ही मज़ा भी आने वाला, भाई एक नई लुक भी मिल जाएगी इसे। ओके तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे अभी मुझे चाहिए एक तो ये साइन बोर्ड, साइन मुझे चार है, मुझे आई थिंक इसमें आठ चाहिए, नहीं नहीं आठ नहीं छः चाहिए, छः चाहिए। तो ठीक है मैं यहाँ पे ये रही साइन, और ओके तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। भाई सामान तो पूरा एक तरीके से मैंने ले ही लिया है, पर भाई बहुत सारा सामान ना मुझे बनाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे अब ज़रूरत पड़ेगी गाइस उसकी। भाई ये रहा चेस्ट, भाई चेस्ट इसमें है ना। ओके तो भाई यहाँ पे चेस्ट ले लिए, तो चेस्ट यार हमें ज़रूरत पड़ेगी हॉपर्स बनाने के लिए भी गाइस, हमें चेस्ट चाहिए, तो हमें चेस्ट की तो बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है। तो यहाँ पे और कुछ काम का आइटम हो, भाई यहाँ पे कुछ और काम का आइटम भी नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पे अब हम लोग बनाते हैं, पहले तो सबसे पहले हमें एक हॉपर बनाना पड़ेगा, हॉपर्स हमें बहुत सारे हॉपर्स की नीड होने वाली है। हॉपर के हमें चार हॉपर्स चाहिए और छह साइन बोर्ड चाहिए, और क्या चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए, और बकेट मतलब वाटर चाहिए, लावा चाहिए। तो इससे अभी हम लोग बनाने वाले हैं अपना, अभी ये क्या, हाँ हॉपर बन गया। तो ओके गाइस मैंने ना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, तो अभी हम लोग चलते हैं सारा सामान लगाते हैं यहाँ पर। और ओके तो यहाँ पे अभी हम लोग लगाने वाले हैं पहले साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का सबसे पहला काम है, तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग साइन बोर्ड लगा देते हैं। भाई साइन बोर्ड किधर है? ओके ओके वेट वेट गाइस, मुझे ना आठ की ज़रूरत थी और मैं यार गलती से छः ही ले आया, मुझे लगा मुझे छः की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने याद ही नहीं किया यार, शिट। ओके कोई ना, अब इधर से लगाते हैं, अब इधर से लगाते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे दो साइन बोर्ड रह गए, कोई ना दोबारा बना के लाने पड़ेंगे साइन बोर्ड मुझे। और यहाँ पे और भी कुछ है क्या? यहाँ पे गाइस दो साइन बोर्ड रह गए, सबसे पहले हमें यार दो साइन बोर्ड और चाहिए उसके लिए, पर कोई ना पहले सबसे चलते हैं यहाँ पे। अरे अरे भाई गिर गया मैं, ओ शिट भाई, ये भाई सबसे बेकार पार्ट था। ओके गाइस तो यहाँ पे मैं अपने दो जो साइन बोर्ड बचे ना वो भी लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पे जल्दी से नीचे हम लोग साइन बोर्ड और लगा देते हैं। ओके तो यहाँ पे साइन बोर्ड भी हमारे लग चुके हैं, तो अब यहाँ से पानी, अरे यार पानी के लिए ओके तो वहाँ पे गाइस मैंने ना ग्लास टूटा छोड़ दिया है, तो वहाँ पर कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी मुझे। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले नीचे जाते हैं। ओके भाई वैसे पहले हमें ग्लास का काम करना पड़ेगा। तो ओके गाइस अब मैं नीचे आ चुका हूँ, और अबे भाई ये क्या हो गया, अब मुझे यहाँ पे गाइस हॉपर वॉपर का जो भी काम है ना आयरन गोलम का वो सारा काम यहाँ पे जल्दी से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो अब मैं तोड़ूंगा कहाँ से ग्लास, भाई जल्दी टूट जा। ओके ओके तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, अब यहाँ पे हमें दो चेस्ट लगानी पड़ेगी जिसके अंदर हमारा सारा सामान कलेक्ट होने वाला है। भाई इसको तोड़ो सबसे पहले, एक मिक्स करके लगाएंगे हम लोग। ओके तो अब मुझे चाहिए हॉपर्स, हॉपर्स का है मेरे हॉपर्स। ओके तो ये रहा हॉपर, भाई ये क्या है ऊपर ग्लास आ रहा है, भाई पहले ग्लास को हमें जल्दी से तोड़ना पड़ेगा। भाई ग्लास हट जा साले, अभी भाई वैसे ही दिमाग मेरा बहुत खराब है, फालतू में तू और पिट पिटा जाएगा। चल भाई यहाँ से निकल। ओके तो अब यहाँ हमें ना हॉपर से इसे अटैच करना पड़ेगा चेस्ट से, और इसको भी इससे चेस्ट कर अटैच करना पड़ेगा, और इसको करना पड़ेगा इन दोनों से, इन दो चेस्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके तो ये वाला जो काम है वो तो हमारा हो गया, अब बस पानी और लावा डालना है उसके ऊपर, वो तो भाई दो चुटकियों का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आगे चलो, तो अब मेरे पास ग्लास, ग्लास मेरे पास तीन है, कोई ना एक ग्लास जो बचेगा वो बाद में लगा दूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहले बाकी के सारे तीन ग्लास यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा दिया। ओके तो भाई जल्दी से टूट जा तू। ओके भाई बच गया, पहले भाई जल्दी से सोने चलते हैं, नहीं तो ज़ॉम्बीज ना, इस समय ज़ॉम्बीज नहीं दिख रहे भाई। ओके गाइस तो यहाँ पे ना मैंने पानी भी डाल दिया, जो पानी बचा हुआ था वो पानी भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी लावा की, और इधर से पूरा जो गंगा बहेगी वो। तो ठीक है तो अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे पूरा रेल सिस्टम बना देता हूँ,
क्योंकि भाई वो रेल सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी नहीं थी, बार बार ऊपर आके ना बार बार हालत ख़राब होने वाली है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं सीढ़ी टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा इस तरीके से। रेल से गाइस ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मतलब अलग ही जो फार्म होगा ना उसमें भाई रोलर कोस्टर फार्म बन जाएगा एक तरीके से, आयरन रोलर कोस्टर फार्म भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल वाली चीज़। तो एक तरीके से पूरा रोलर कोस्टर आ जाएगा इस पर। और भाई जल्दी भाई जल्दी से बनाते हैं भाई, मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा भाई इस पर राइड करने का। एक लंबी जो राइड होती है ना उसमें अलग ही मज़ा आता है, छोटी राइड भी मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस मज़ा आ गया ना मतलब पूछे ही मत। तो चलो इसे जल्दी से बनाते हैं। तो ओके गाइस, मैंने ना यहाँ पे पूरा एरिया लगा दिया, अब यहाँ से मुझे यहाँ से सीधा रेल लगानी है आगे नीचे तक, ठीक है। पावर ट्रेल से चलती है, तो यहाँ पे गाइस मुझे ना बीच बीच में पावर ट्रेल भी लगानी पड़ेगी, पर अभी मेरे पास पावर ट्रेल नहीं है। पावर ट्रेल का भी ऐसे ऐसा कुछ काम है नहीं, मैं पावर ट्रेल को बाद में लगा दूंगा, अभी तो यही वाली रेल लगा देते हैं। ओके ओके, और रेल मेरे पे ये वाली तो कम नहीं पड़ेगी, बहुत है भाई, ज़्यादा एरिया थोड़ी नहीं है। ओके, यहाँ से लगाया, यहाँ से लगा दिया, यहाँ से भाई ज़ॉम्बी जल्दी आ जा तू भाई, जल्दी अंदर घुस जा, नहीं तो भाई तू मेरे हाथों से ना बहुत बुरा वाला पिटने वाला है। अरे भाई मार कर रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे भी आ चुका है। तो जल्दी से गाइस मुझे ना नेम टैग देना पड़ेगा। ओके भाई नायक, अरे यार मेरे पास नेम टैग ही नहीं है, मेरे पास ज़रूरत के समय ना कोई भी चीज़ नहीं होती है भाई। पहले यहाँ से निकालो इसे भाई, निकल जा यार। ओके ओके, तो चलो भाई जल्दी से ले, पहले मैं नेम टैग लेके आता हूँ। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे नेम टैग ले आया हूँ और जल्दी से इसको भी नेम दे देते हैं बॉट का। सबरे यहाँ पर बॉट हैं, तो यहाँ पर अभी ना इसे पूरा पैक कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ का एरिया पूरा ख़त्म हो गया, मतलब जो सारे मुश्किल टास्क है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो अब यहाँ से ना सिर्फ हमें पानी लाना है, पानी की तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारे बकेट लेके आया था पानी के। तो यहाँ पर हम लोग इसे इधर से लगा देते हैं, और अभी हम लोग ना यहाँ से पानी डालना शुरू भी कर देते हैं पानी। ओके, तो यहाँ तो डाल दिया, इधर लावा, इधर भी लावा और पानी की ज़रूरत है, बस पानी का खेल रह गया अब, बाकी पूरा हमारा एक तरीके से तैयार सही हो गया। तो यहाँ पे सारी बकेट्स को पहले मैं एक साथ रख लेता हूँ, सारी पानी की बकेट्स आ जाए, आ जाए। ओके, तो इतनी पानी की बकेट्स बहुत हैं, एक यहाँ से डालते हैं, एक यहाँ से डालते हैं। भाई मुझे क्यों घसीट रहा है ये, अरे अरे भाई रुक जा, मुझे क्यों घसीट रहा है तू, रुक जा भाई, यहाँ से आगे से चलते हैं। ओके, तो यहाँ से डालते जाते हैं, आई थिंक गाइस ये भी कम पड़ने वाला है मुझे दोबारा से नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना मेरे पास बकेट कम पड़ गई थी, तो मैं और नीचे जाके बकेट ले आया। तो अभी इधर से भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो भाई चलो जल्दी से नीचे चलते हैं और बाकी का काम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, बहुत टाइम हो गया भाई इसे बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, और फाइनली एक तरीके से बन ही चुका है। तो चलो जल्दी से भाई इसे तोड़ो पहले, अब इधर का रास्ता ख़त्म कर देते, क्योंकि इधर का अब कोई भी काम नहीं है हमारा, सिर्फ नीचे का उधर का काम रह गया, वो भाई 2 मिनट का काम है बस। तो चलो भाई सबसे पहले ना उधर से पानी डालना है, और हमें लावा भी, पहले गाइस हमें ना लावा की बकेट लानी पड़ेगी ढूंढ के कहीं से। तो लावा तो भाई यहाँ पे मुश्किल है, नहीं नहीं गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा एक लावा का वो देखा था, मैंने ही बनाया था, वहाँ से जल्दी से लावा लाते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे लावा ले आया हूँ, और जल्दी से अभी हम लोग नीचे चलते हैं और इसके अंदर लावा डाल देते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पे लावा कहाँ से डालना है भाई, ये रहा लावा। तो यहाँ से हम लोगों ने इधर से एक लावा डाला, इधर से एक लावा डाला, इतना लावा बहुत है, दूसरी तरफ से डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जलना होगा तो वो एक सी जल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग जल्दी से पानी डाल देते हैं, और ओके भाई मुझे लावा में मत डाल दियो। ओ ओके भाई, भाई जल्दी निकल जा, मुझे मरना नहीं है भाई, सारा सामान जल जाएगा भाई। भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ओके भाई, अगर मैं मर जाता ना तो सारा सामान मेरा जल के रहा, वैसे जलता नहीं, नीचे चले जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी यार मर तो जाता ही ना मैं। तो यहाँ से अब जल्दी से हम लोग और पानी की बकेट्स लेते हैं, यहाँ से और डालते हैं, इसे यहाँ से डाल दिया, और एक और बकेट हमें यहाँ से डालनी पड़ेगी, यहाँ से डाल दिया। ओके गाइस, तो एक तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक तरीके से हमारा पूरा गाइस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि भाई आयरन गोलम हमारा स्पॉन होता है कि नहीं होता। भाई बचाओ बचाओ भाई बचाओ, इस बार तो मैं जाऊँगा भाई, पानी जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए भाई, इस बार तो मैं गया। ओके गाइस, तो चलो अब देखते हैं हमारा जो आयरन है वो स्पॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई प्लीज़ हो तो जाना चाहिए मेरा आयरन स्पॉन, अगर आयरन स्पॉन नहीं होगा ना भाई सच में मैं कूद जाऊंगा, मैं इसी छत से कूद जाऊंगा अगर आयरन स्पॉन नहीं हुआ मेरा। तो भाई थोड़ा टाइम लेता है आयरन स्पॉन होने में, शायद से हो जाना चाहिए भाई, बनाए भाई मेरी तरफ से तो एकदम पूरा परफेक्ट बनाए, अब देखते हैं भाई ये। ओके गाइस, तो देख लोग देख सकते हो सामने जो है आयरन स्पॉन हो चुका है, और देखो नीचे भी गिर चुका है, लावा में जल रहा है, जो भी इसका जो आयरन होगा ना वापस से होकर पूरा चेस्ट में आ जाएगा भाई। फाइनली जो गाइस मेहनत है ना वो सफल हुई। रुक जाओ अभी एक और देखते हैं, एक और आयरन स्पॉन होते हैं, मैं तुम लोगों को एकदम डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले
ब्लॉक से ऊंचा चलता हूँ, जिससे ना तुम लोगों को एकदम आराम से डिटेल में दिखाई देगा कि आयरन कैसे स्पॉन हो रहा है। ओके, तो अब देख हमें थोड़ा ना वेट करना पड़ेगा। और तुम लोग गाइस सामने सन को भी देख सकते हो, एकदम नीचे नीचे आ रहा है, सनसेट हो रहा है और व्यू एकदम तगड़ा आने वाला है बस सन का। और सामने भाई कितना तगड़ा व्यू आ रहा है गाइस, देखो सन को देखो बार बार नीचे जा रहा है। और भाई जल्दी से आयरन गोलम हमारा स्पॉन हो जा भाई। भाई विलेजर्स तो डर रहे हैं, स्पॉन क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब 30 से 40 सेकंड लेता है एक आयरन गोलम स्पॉन होने में, क्योंकि अभी अभी तो मरा है ना। ओके गाइस, तो देखो हमारा दूसरा आयरन गोलम भी स्पॉन हो चुका है, मतलब हमारा जो वो है ना हमारा जो फार्म है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब ना गाइस हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ आयरन है, मतलब हमारे पास आयरन की अब कभी कमी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तुम लोग सामने भी देख सकते हो जो प्रोसेस है भाई वो लगातार चलता जा रहा है। मतलब भाई अलग ही सीन हो गया, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्म था पूरे माइनक्राफ्ट में, ये बहुत ही ज़्यादा भाई बहुत ही करर रोल प्ले करता है। और भाई इसकी ज़रूरत ना हर चीज़ में पड़ती है भाई, आयरन में भाई कितना भी सस्ता क्यों ना हो पर भाई हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। भाई रुक जा, मुझे जला दे पहले तू, भाई रुक जा, भाई मैं मरना नहीं चाहता भाई, रुक जा। तो ओके गाइस चलो अब जाके अपनी ना जो ट्रेन है मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि भाई कैसे वर्क कर रही है। खैर अभी तक मैंने भी नहीं करी भाई, ये देखो क्या भाई एकदम ट्रेन जैसा साउंड है एकदम भाई, ये देखो ओपी भाई ओपी। ओके तो देखो यहाँ पे एक और आयरन गोलम स्पॉन हो रहा है, अब तो हमारे पास 12 हो चुकी है कलेक्ट। भाई मज़ा आ गया भाई, एक नंबर मज़ा आ गया। गाइज अलग ही चल रहा है, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई रात में पूरा प्रोसेस, भाई मैं बता दूं मैं वहीं पे बेड लाकर सो गया था तो पूरे आयरन अच्छे से आने, भाई एकदम आयरन फार्म में एकदम कम्प्लीटली परफेक्टली वर्क कर रहा है एकदम, भाई कोई कमी नहीं आयरन फार्म में। यहाँ पे देखो 17 हो चुके हैं हमारे, और भाई कंटिन्यूसली भाई जैसे मतलब एक आयरन मर रहा है उसके 30-40 सेकंड बाद ही एक नया आयरन स्पॉन हो रहा है आयरन गोलम। भाई अलग ही फील भाई, मज़ा आ गया एक नंबर। तो तुम लोग बताओ भाई तुम लोगों को आयरन फार्म कैसा लगा। और गाइस देखो एक और आयरन गोलम स्पॉन हुआ और नीचे मरने आ गया। ओके तो गाइस चलो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो का लाइक मैं कुछ रख ही नहीं रहा हूँ यार, मतलब मैं वीडियो इसकी कम बनाता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा भाई मैं रेगुलर रहूँ। और चलो अगर आप लोग अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो।